अब इक्विलिब्रियम में हमने फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन को पढ़ा, अब उसी के आगे हम देखते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की, कि बॉडी किस किस टाइम पे जो है इक्विलिब्रियम में रह सकती है। सो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास आ जाती है एक स्टेबल स्टेट, नंबर वन इज स्टेबल स्टेट, नंबर टू इज अनस्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रल। स्टेबल स्टेट में क्या होता है कि आ बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट कम बैक टू इट्स प्रीवियस पोजिशन, ठीक है, आफ्टर स्लाइट टिल्ट, स्लाइट टिल्ट बॉडी रिटर्न इन इट्स प्रीवियस पोजिशन, in its previous position. इसका क्या मतलब है कि बॉडी को जब हम लोग थोड़ा सा भी मूव करवाएं और वो अगेन अपनी जो पहली कंडीशन है उसी में आ जाए, देन द बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। किस तरह से कि अगर हमारे पास एक बुक है, ठीक है, बुक जब तक टेबल पे पड़ी हुई थी वो इक्विलिब्रियम में थी, अब हमने इसको क्या किया है, हल्का सा लिफ्ट अप कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अब जब भी हमने इक्विलिब्रियम की बात करनी होती है और उसमें स्टेट्स की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पता चलता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। जब तक इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लोएस्ट पॉइंट पे रहेगा तो बॉडी मोस्ट इक्विलिब्रियम पोजिशन में होगी, लेकिन जैसे ही हमने बॉडी को टिल्ट किया बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा पॉइंट, ठीक है, और जब अगर वो चेंज होगा तब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। अब उसकी चेंजिंग का ये मतलब नहीं है कि वो पॉइंट ही शिफ्ट हो गया, बल्कि पॉइंट किस जो है बाउंड्री में लाइक कर रहे हैं उस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है। लाइक अगर हम यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो वो बुक की बेस पे लाइक कर रही है, ठीक है, तो हर चीज़ की बेस में ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइक करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ ये टेबल था, ठीक है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई थी, जब तक ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इस तरह से रहा कि उसका और टेबल का कोई डिस्टेंस नहीं था एंड वो अपने बेस पार्ट में था तो बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, बट हमने स्लाइड टिल्ट किया बॉडी को, ठीक है, थोड़ा सा उसको मूव करवाया, अब यहाँ पे आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, डिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ कि पहले वो लोएस्ट पोजीशन पे था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब थोड़ा हाई पोजीशन पे चला गया, इट मींस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई है, वो हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया। लेकिन अगर आप इसको देखें, आपने स्लाइटली टिल्ट किया एंड बॉडी को जैसे ही छोड़ें और वो अपने रिटर्न बैक कर जाए प्रीवियस पोजीशन पे, लाइक वो अगेन इसी कंडीशन में आ जाए, देन द बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेबल स्टेट। लाइक अगर ये एक डस्टर है, ये बिल्कुल अगर हैंड पे है तो स्टेबल है, इसमें स्लाइटली टिल्ट किया, इसका ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है थोड़ा इंक्रीज कर गया क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ूंगी ये अपनी रिटर्न बैक कर जाए प्रीवियस पोजीशन में, देन इट इज़ सेट टू बी इन स्टेबल स्टेट। अब इसकी एक एग्जांपल हमने बुक की देखी, अदर वन इज एक हम लोग वुड का बना हुआ ब्लॉक ले रहे हैं, ठीक है, वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक में भी क्या है कि हमारे पास दो कंडीशंस थी कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए एंड द अदर वन इज कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस में लाइक करना चाहिए। इसी तरह से अब हमारे पास एक वुडन बॉक्स है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है एंड ये क्या है, बेस में से पास आउट कर रहे हैं, ठीक है, बेस में से पास आउट किया एंड इट इज़ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तब तक ये क्या था, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। अब इसको स्लाइटली टिल्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पहले यहाँ पे था, अब इधर से मूव करके नीचे आ रहे हैं, मतलब थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो गई लेकिन अभी भी बेस में से ही पास कर रहे हैं। इट मींस कि जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, इसको थोड़ा टिल्ट किया हुआ है, इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी प्रीवियस कंडीशन में चला जाएगा। जो चीज़ें, जो बॉडीज उनमें स्लाइटली कोई डिफरेंस क्रिएट करें, टिल्ट करें, उनको थोड़ा सा मूव करवाएं और वो अगेन अपनी पिछली पोजीशन पे चले जाएं, देन इट इज़ कॉल्ड द
स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम मूव करते हैं अनस्टेबल की तरफ। अनस्टेबल से ही पता चल रहा है कि वो जो है इतना स्टेबल नहीं है। अब जिस तरह स्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट किया बॉडी को और बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ गई, तो उसको हमने कह दिया कि वो स्टेबल स्टेट इक्विलिब्रियम थी। लेकिन अगर बॉडी को टिल्ट अप किया जाए एंड वो अपनी प्रीवियस कंडीशन में या प्रीवियस पोजीशन में ना आए, देन द बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट, देन इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो बॉडी does not return back to its previous position, not return back to its previous position, to its previous position. So जब तक body अगर अपनी previous position में नहीं आएगी when slightly tilt किया है, तो उस body को हम कहेंगे कि वो एक unstable state of equilibrium में है। इसकी example अगर हम देखें तो एक हम lead pencil ले रहे हैं, ठीक है, उसके यहाँ टिप पे हमने उसको स्टैंड करवा दिया, ठीक है, लाइक अगर ये मार्कर भी है इसको यूँ स्टैंड करवाया हुआ है, एंड जब तक मेरा हाथ यहाँ पे इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब मैंने इसको जो जैसे ही छोड़ूंगी ये गिर जाएगी और कोई और अदर पोजीशन में चली जाएगी, ठीक है, तो वो बॉडीज जो थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बीइंग इक्विलिब्रियम में रहें, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर कोई फोर्स उन अप्लाई की जाए या थोड़ा सा उन्हें मूव करवाया जाए, टर्न करवाया जाए, तो वो अपनी बैक कंडीशन में, प्रीवियस कंडीशन में ना आ सकें। दीज आर कॉल्ड द अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने देखा कि बॉडीज जो हैं वो रिटर्न बैक नहीं करें अपनी प्रीवियस पोजिशन में। अब इसका अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर कहीं लाए कर रहे, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये बेस में से ही पास आउट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये दूसरी कंडीशन में चला जाए कि इसको टिल्ट किया है, टिल्ट करने से इस तरह हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस लाइन में से पास ही नहीं करेगा, बेस में से पास नहीं कर रहा, और जब बेस में से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास नहीं करेगा तो बॉडी कभी भी अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आ सकती। इट मींस के बेस लाइन में से पास करना बहुत ज़रूरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। जैसे ही वो बेस लाइन को क्रॉस कर जाएगा, बॉडी अपनी प्रीवियस कंडीशन में नहीं आ सकती। एंड जब बॉडी को टिल्ट किया जाए और वो प्रीवियस कंडीशन में ना आ सके, दैट इज़ कॉल्ड द अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में एक वुडन ब्लॉक को देखा था इस तरह से कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी था एंड बेस में से पास आउट कर रहा था, देन इसको स्लाइटली टिल्ट किया तब भी थोड़ा सा बेस में से ही पास करेगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा उसका शिफ्ट हो जाएगी पोजीशन। अब इसी तरह से अगर इतना टिल्ट कर दें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस लाइन में से पास ना करे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी दूसरी तरफ गिर जाएगी और एक नई स्टेट ले लेगी, लाइक इस तरफ को गिर जाएगी, अगली स्टेट में चली जाएगी, बट ये रिटर्न बैक नहीं हो सकती अपनी प्रीवियस पोजीशन पे। सो जब बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस ना आ सके, दैट स्टेट इज कॉल्ड द अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। द थर्ड वन इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है कि आ बॉडी remain in its new position when disturbed from the previous position, so it is called the state of neutral equilibrium. So body remain in new position, body remains in new position and wo apni jo hai प्रीवियस पोजीशन पे ना जाए, देन इट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। लाइक अगर ये पेंसिल, इसको इस तरह स्टैंड अप किया गया है एंड इसको स्लाइटली टिल्ट किया गया और इसने न्यू पोजीशन ले ली, दैट इज़ लाइंग ऑन माय हैंड, तो ये जो स्टेट आएगी दैट इज़ द न्यूट्रल स्टेट, के बॉडी ने जो नई न्यू पोजीशन है उसी में अपना इक्विलिब्रियम सेट कर लिया है। तो अब इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें, इसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हर पॉइंट से एक ही रहती है। लाइक यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट चेंज हो रही है, इस केस में चेंज हो रही थी, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उसकी हाइट हर पॉइंट पे सेम रहे। लाइक अगर हम एक बॉल ले लेते हैं,
बॉल में क्या होगा, बॉल का हर पॉइंट से रेडियस जो है वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, इट मींस इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करें। अब उस बॉल को जितना मर्जी मूव करवाई जाए, उस पॉइंट की हाइट हर जगह से, हर पॉइंट से उतनी ही रहेगी। लाइक अगर ए पॉइंट कंसीडर करें, बी कंसीडर करें, अब बॉल जो जब रोटेट हुई, ठीक है, तो बी पॉइंट यहाँ आ गया, ए पॉइंट यहाँ चला गया, बट फिर भी क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। जितनी उसकी हाइट पहले थी फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ पॉइंट, ठीक है, या फ्रॉम बी टू ओ, वो उतनी ही रहेगी, इवन बॉडी कोई और पोजीशन भी ले ले। तो वो पॉइंट्स जहाँ पे बॉडी अपनी न्यू पोजीशन में ही रहे, अपनी प्रीवियस पोजीशन में ना जा रही हो, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट सेम रहे, देन दीज आर कॉल्ड द न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। लाइक इसके एग्जांपल्स और भी बहुत सारी हैं। अगर हम सर्कल के केस में देखें, उसमें भी हाइट सेम रहती है, स्फीयर में देखें, स्फीयर में भी सेम रहती है। इसी तरह अगर हम एग की शेप को देखें, एग में भी उसको जिस साइड पे मर्जी मूव करवा लें, जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रेजेंट था, उसकी हाइट उतनी ही रहेगी। सो इससे पता चलता है कि जो मोस्टली सिमेट्रिक शेप्स होती हैं, लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, स्फीयर, ठीक है, उनमें हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट सेम रहती है, एंड उनकी अगर पोजीशन को चेंज किया जाए तो वो अपनी न्यू पोजीशन में आके सेट कर लेते हैं अपने आप को उस स्टेट में, एंड दीज आर कॉल्ड द न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो हमने इक्विलिब्रियम में पहले तो पढ़ा कि इक्विलिब्रियम क्या है, कि जब नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, तो बॉडी जो है या रेस्ट कंडीशन में रहेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। देन हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन वाज कि जितनी भी फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं उनका सम जीरो आए। देन द नेक्स्ट वन वाज अबाउट द टॉर्क, कि अगर जो टॉर्क बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है उसका सम जीरो होना चाहिए। देन वी स्टडी अबाउट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास थ्री हैं, स्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट एंड द न्यूट्रल वन। स्टेबल स्टेट में अगर बॉडी को स्लाइटली टिल्ट किया जा रहा है तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ रही है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, एक तो वो बेस पे एग्जिस्ट कर रहा है एंड एक उसकी लोएस्ट हाइट है। द नेक्स्ट वन इज अनस्टेबल स्टेट, के बॉडी रिटर्न नहीं करी अपनी प्रीवियस पोजीशन में जब उसको टिल्ट अप किया जा रहा है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक हाइट चेंज हो रही है, एंड द अदर थिंग इज के वो बेस लाइन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। द थर्ड वन इज अबाउट द न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, के बॉडी जो है वो अपनी न्यू स्टेट को ही अपनी स्टेबल स्टेट कह रही है, अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं जा रही, उनको न्यूट्रल स्टेट कहते हैं, एंड इसमें हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, एंड जो इसके वो बॉडी मूव करती भी रहे तो उसका किसी भी पॉइंट से अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास आउट हो रहा है तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। लाइक ये नहीं है कि बेस में ही लाई करें, बल्कि इसका हाइट जो है वो सेम रहनी चाहिए। सो ये हमारा था अबाउट द इक्विलिब्रियम, एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द टॉपिक।